बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें, सबको सेहत वाली लंबी उम्र अता करें, आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे लगता है कि मेरे लिए कोई दुआ नहीं कर रहा है, तो प्लीज़ आप लोग मेरे लिए दुआ करें, मेरी तबीयत भी ठीक हो जाए। मेरे कान में शदीद किस्म का दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और कुछ ड्रेनेज भी हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत तकलीफ़ में हूँ। मेडिसिन तो ले रही हूँ, इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, अभी हम लोग जा रहे हैं शदीद दर्द के साथ गीगा मॉल, तो मैंने सोचा कि साथ साथ वीडियो बना लेती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ अपना विज़िट, गीगा मॉल का फ़र्स्ट विज़िट। असल में जब से बना है तब से हम सोच रहे थे कि हम अभी जाते हैं देख कर आते हैं कैसा मॉल है, लेकिन अभी देखा नहीं हुआ था, तो फिर आज हम लोगों ने प्लान बनाया कि चलो चलते हैं, तो फिर हम अब उस सफ़र में हैं। आज तो धूप भी काफ़ी ज़्यादा थी, एक पल को तो लगता है कि गर्मी आ गई है, बिल्कुल शदीद गर्मियों वाली धूप, लेकिन जैसे ही शाम होती है तो दोबारा से सर्दी होने लग जाती है। सर्दियाँ हमारे साथ आँख मचोली खेल रही हैं। ये जी हम आ गए गीगा मॉल। अभी हम लोग एंटर हो गए हैं, मैं, मेरी सिस्टर्स और मेरे अब्बू जी, जबकि मेरे हस्बैंड और मेरे भाई जो थे वो दोनों गाड़ी पार्क कर रहे थे, इसलिए हम लोग पहले एंटर हो गए। अच्छा मॉल है, प्यारा है, मतलब जैसे बाकी सब मॉल्स हैं वैसे ही है, मैं ये नहीं कहती कि बुरा है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि पता नहीं क्या है, कितना डिफरेंस होगा, क्या कैसा होगा, लेकिन मुझे वैसे सही बताऊँ तो ऐसे ही लगा जैसे बाकी सब मॉल्स होते हैं। शॉपिंग वॉपिंग तो कोई नहीं की हमने, विंडो शॉपिंग बहुत की खैर, और वो आपको भी करवा रही हूँ अपने साथ साथ। याद नहीं मुझे कौन सी शॉप थी ये, लेकिन हम बस एंटर हो गए, कोई एक चीज़ क्लिक करती थी तो अंदर चली जाती थी, देख लेती थी, जैसे यहाँ पर भी मैं कुछ देख रही हूँ, पता नहीं क्या चीज़ अच्छी लगी थी। मेरा ख़्याल है यहाँ पर कोई अपर थे, वो देख रही थी, सॉरी अपर थे, कैप शॉल थी, कैप शॉल थी। यहाँ पर भी मैं किसी शॉप में गई हूँ, पता नहीं ये कौन सी है, लेकिन ये पता है कि यहाँ पर ये जो सूट मैं देख रही थी, ये मेरे पास भी एक सूट है, एथनिक से लिया था मैंने, तो उससे कुछ मिलता जुलता था, तो मैंने कहा कि देखूँ वैसे ही है या डिफरेंट है, उसको चेक कर रही थी मैं। ये एक मस्टर्ड कलर, येलोइश कलर में था। अलकरम का भी है, पता नहीं, अब देखते हैं। ये अपर है, क्या प्राइस है इनकी? 1600 ऑफ कर, 800 का मिलेगा। अच्छा लग रहा है। यहाँ मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ले लीजिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, कहते मुझे अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ हम एथनिक में आए हैं, वैसे मुझे एथनिक के ड्रेसेस बहुत अच्छे लगते हैं, मेरी सिस्टर को यहाँ कुछ अच्छा लग रहा था तो हम देख रहे थे। देखो रश चेक करें आप, ऐसे जैसे पूरी दुनिया जो है वो गीगा मॉल में आई हुई है जी। यहाँ पर एक भाई जो है वो क्रिकेट खेल रहे थे, और मेरे हस्बैंड और मेरे भाई जो हैं वो खड़े होकर इनको देख रहे थे। मैंने उनसे कहा कि अगर आपका जी चाह रहा है तो आप लोग भी जाइए, लेकिन वो नहीं गए, तो फिर हम लोग बस थोड़ी देर के लिए उनका खेल इंजॉय करते रहे। गुड प्लेस इज़ फॉर किड्स, बच्चों को तो मज़ा आ जाता होगा यहाँ पर। उसके बाद हम लोग बोरजान गए,
और मुझे इनके शूज़ बहुत अच्छे लग रहे थे। देखिए ज़रा, तो मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर दी, इसीलिए बहुत ज़बरदस्त थे। हम लोगों ने कोई ड्रेस वगैरह कुछ इस तरह की शॉपिंग तो नहीं की, लेकिन जो खाने पीने की चीज़ें हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह और बहुत सारी और चीज़ें खाने पीने के लिए, अभी भी हम लोग बैठे हुए हैं। विंडो शॉपिंग से थक हार के जो है खाने का वेट कर रहे थे। यहाँ पर हम लोगों ने बर्गर वगैरह लिए, कोल्ड ड्रिंक्स पी। जब हम एंटर हुए थे गीगा मॉल में तो तब तो बहुत ज़्यादा धूप थी, लेकिन जब हम बाहर आए तो तब बहुत प्यारा मौसम हो रहा था, बहुत ज़बरदस्त किस्म का। हम लोगों ने बस खाया पिया, इंजॉय किया और घर को आ गए। वापस जब हम आ रहे थे तो काफ़ी ठंड हो गई थी, मौसम अच्छा हो गया था, प्यारा हो गया था। उसके बाद फिर हम लोग बस थक भी काफ़ी गए थे, तो बस हिम्मत नहीं हो रही थी, जल्दी जल्दी बस वेट कर रहे थे कि गाड़ी आ जाए और बैठें और बस घर को जाएं। और जब हम घर आए तो काफ़ी थक चुके थे, काफ़ी सबकी तबीयत ख़राब हो रही। ये था जी छोटा सा हमारा ट्रिप। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।